हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इस ट्यूबलाइट को बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्यूबलाइट है वो जगुआर कंपनी की है और इसका मॉडल नंबर है 10WS। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑलरेडी ओपन किया है, तो इस सर्किट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टाइम की बचत के लिए मैंने इसे पहले से ही ओपन कर लिया है। अब हमने इस सर्किट को निकाल लिया है। अब निकालने के बाद इस LED स्ट्रिप को भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया है। अब इस LED स्ट्रिप को मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें कोई हमारा LED ख़राब तो नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए मैं इस मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पर बजर पर सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे बजर पर सेट कर लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस देख लेना है, तो ये उल्टा लग गया है। तो यहाँ पर हम सीधा इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये तीनों हमारी जो LED बल्ब है वो जल रही हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज तीनों का एक सीरीज होता है, इसमें एक बल्ब को हम जलाएंगे तो तीनों ही एक साथ जलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सभी LED को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिप को चेक कर लिया है। हमारी जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल ही ओके है। तो इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, जो हमारी जो खराबी है इस सर्किट के अंदर ही खराबी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या कमी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो जो AC सप्लाई के वायर हैं वो इस तरह जा रहे हैं, जो कि हमारा जो एक वायर है जो रेजिस्टेंस, जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगा है उसमें जाता है। जो फ्यूज रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगा होता है, जो MOB होती है MOB पैरेलल में लगी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जो खराबी हो सकती है वो MOB में हो सकती है या रेजिस्टेंस में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों को यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस MOB को चेक करके देख लेते हैं। तो उसे चेक करने के लिए मैं इस मल्टीमीटर को बजर पर सेट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हो हमारा जो मल्टीमीटर है वो बजर पर सेट है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो MOB सही होगी वो बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं करेगी, ना ही वो बीप करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी जो MOB सर्किट में लगी है तो कभी कभी रीडिंग भी शो कर जाती है और बीप नहीं करती है, तो आपको करना क्या है, उसे निकाल लेना है सर्किट से और तब आपको चेक करना है। तो हमारी जो MOB है वो ना तो रीडिंग दिखाएगी और ना ही वो बीप करेगी। तो इसका मतलब है वो हमारी जो MOB है वो बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर MOB को चेक कर लिया है। हमारी MOB है वो बिल्कुल ही ओके है, ना तो ये रीडिंग दिखा रही है और ना ही ये बीप कर रही है। अब फ्रेंड्स, हम इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्यूज रेजिस्टेंस होता है, इसका काम फ्यूज की जगह पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल भी बीप नहीं कर रहा है, ना ही वो रीडिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है। तो हम इसे अब पलट कर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है। अब फ्रेंड्स, हम इसके आगे वाले हिस्से को चेक करेंगे कि इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो ख़राब तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं इस तार का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से एक तार निकालना है और उसे मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। इस तार को फ्रंट जो यहाँ पर हमारा जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पर हमें इस तार को सोल्डर कर लेना है, जो कि ये फ्यूज बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तार को हम सोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पर हम इसे सोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छे से फाइंड करके तार को सोल्डर करना है, नहीं तो आपका सर्किट ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था वहीं पर मैंने तार को सोल्डर कर दिया है। ये एक तरह का फ्यूज बन गया है। अब इस प्लस वाले तार को इस स्ट्रिप में यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्लस वाला तार है वो सोल्डर हो गया है। अब इस माइनस वाले तार को भी सोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट को आपको डायरेक्ट सप्लाई में चेक नहीं करना है, तो हम इसे यहाँ पर सीरीज में चेक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लिया है, इसे मैंने होल्डर में लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस बल्ब के एक तार को मैं सर्किट में लगा लेता हूँ। सर्किट के एक तार को आपको 220 वोल्ट में लगाना है और एक बल्ब के एक तार को हमें 220 वोल्ट में लगाना है, तो हमारा यह सीरीज बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर इसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों तारों को यहाँ पर लगा लिया है। अब इन तारों को हम 220 वोल्ट सप्लाई में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो LED स्ट्रिप है वो अच्छे से काम कर रही है और हमारा जो आगे का जो सर्किट है वो बिल्कुल ही ओके है। तो फ्रेंड्स इस फ्यूज रेजिस्टेंस को मैं इस सर्किट से बाहर निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस जो तार लगाया था हमने उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स हमें इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमें पता नहीं है कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो एक बार हम यहाँ पर इसे चेक करके देखते हैं। तो आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैंने इसे 200 पर सेट कर लिया है, तो हम इसे चेक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस है कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कितने ओम का है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रजिस्टर कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रजिस्टर कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट लिंक है इस पर हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ बैंड्स लिखा है, यहाँ पर 4 पर सिलेक्ट है ऑलरेडी। तो यहाँ फर्स्ट कलर है तो फर्स्ट कलर हम चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कलर है वो ग्रीन कलर है, तो मैं ग्रीन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और सेकेंड है हमारा ब्लू और थर्ड है हमारा ब्लैक कलर, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। और लास्ट का हमारा है गोल्ड, तो मैं यहाँ पर गोल्ड सेलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट वैल्यू हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 56 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे पास 56 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये मेरे पास LED बल्ब का सर्किट है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे मैं चेक कर लेता हूँ कितने ओम का है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सेट कर लिया है। अब इस रेजिस्टेंस को मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम के आसपास वैल्यू दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स हम इस रेजिस्टेंस को ट्यूबलाइट में लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए हम लगा कर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। अब इस रेजिस्टेंस को हम इस सर्किट में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस सर्किट को सीरीज में चेक करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रिप है वो अच्छे से जल रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सीरीज में ही चेक करना है। तो इसमें आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रिप है वो अच्छे से वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स यहां पर सीरीज के वायर हैं वो देख सकते हो उस तरह यहाँ पर लगे हुए हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसे डायरेक्ट सप्लाई में लगाने वाला हूँ, सीरीज से हटा दिया इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रिप है वो अच्छे से जल रही है, डायरेक्ट भी अच्छे से जल रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी हम जो आउटपुट वैल्यू है वो चेक करके देख लेते हैं ये आउटपुट कितने वोल्ट निकल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मल्टीमीटर को हम 200 की रेंज में सेट कर लेते हैं, DC पर हम 200 पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो हमने इस मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सेट कर लिया है। अब इसकी हम आउटपुट वैल्यू चेक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 70 वोल्ट के आसपास मिल रही है। तो फ्रेंड्स LED स्ट्रिप है वो सर्किट में लगी होगी, तो इस सर्किट की जो आउटपुट वोल्टेज है वो 70 से 90 के आसपास ही मिलेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिप है वो अच्छे से वर्क कर रही है। अब इसे हम यहाँ पर इसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्यूबलाइट है वो अच्छे से चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।